दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे T20 महामुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद बौखला गए हैं भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बयान में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की गलतियां सहित 5 ऐसी गलतियों से खुलासा कर दिया है जिनके सुनने के बाद आप भी के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे आखिरकार किस तरीके से बौखलाते हुए भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की 5 बड़ी गलतियां बता दी हैं जिनके कारण भारतीय टीम चाहकर भी आई महामुकाबला नहीं जीत पाई है। उनके शानदार बयान का वीडियो हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से T20 के सबसे अच्छा कप्तान किसको मानेंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इसका तीसरा अहम महामुकाबला बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। इस महामुकाबले में शुरू से ही हार के बौखलाई ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला बेहद ज्यादा गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी ने शुरू से धावा बोलकर ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा दिए। शुरू में एसएसयू जयसवाल को तो 6 रन पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया था, और यही नहीं इसके बाद ईशान किशन भी बिना खाता खोले जल्दी लौट गए थे। मगर इसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके की साझेदारी की वह लाजवाब और काबिले तारीफ रही। आज तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों का सामना किया, 13 चौके और 7 गगनचुम्बी में छक्के लगाए, 215 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ उनके बल्ले से आज शानदार 123 रन की जो पारी निकली वह बेहद ही शानदार रही और ऑस्ट्रेलिया क्लब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा T20 में है पहला शतक रहा। इस रिकॉर्ड पारी के अलावा सूर्य कुमार यादव ने आज 29 गेंदों में 39 रन बनाए और वह आउट होकर चले गए। अंत में तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में 31 रन का सहयोग दिया और भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 222 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया। अब भारतीय गेंदबाजी पर दबाव था क्योंकि बाद में ओस पड़ गई थी, ऐसे में 223 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही। शुरू में ट्रेविस हेड ने और एरन हार्डी नाम के खिलाड़ी ने धावा बोल दिया, जहां पर आज ट्रेविस हेड ने 18 गेंदों में 8 चौके लगाकर 194 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन ठोके, मगर फिर आवेश खान ने उनको रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन की राह दिखा दी। हार्डी आज 16 रन पर चले गए। जोश इंग्लिश को आज रवि बिश्नोई ने 10 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद फिर टिम डेविड तो खाता भी नहीं खोल पाए और रवि बिश्नोई ने उनका शिकार कर लिया। भारतीय टीम ने शानदार वापसी कर ली थी और यही नहीं दोस्तों, इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, उनका साथ मार्कस स्टोइनिस देते हैं, मगर स्टोइनिस 17 रन बनाकर आज अक्षर पटेल का शिकार हो गए। लग रहा था भारतीय टीम जीत जाएगी, मगर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का साथ देते हुए मैथ्यू बैट ने तूफानी पारी खेल दी। आज ग्लेन मैक्सवेल ने अंतिम ओवर तक रहते हुए 48 गेंदों का सामना करके 8 चौके 8 गगनचुंबी छक्के लगाकर 216 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 104 रन ठोक दिए और अपनी टीम को आखिरी ओवर में जिता ले गए। वेड ने 28 रन का सहयोग दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद भी खराब गेंदबाजी के कारण हार झेली है और अब यह श्रृंखला 2-1 पर पहुंच गई है। ऐसे में इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार की कई वजह रही। ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा, भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से मैं बेहद ज्यादा नाखुश हूँ और हर एक भारतीय प्रशंसक इस प्रदर्शन के बाद बेहद ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। मैं मानता हूँ कि विश्व कप 2023 की हार के बाद भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और पहले 2 T20 जीते, मगर इसके बाद इस T20 नहीं इससे पहले 2 T20 में भारतीय टीम की बहुत ज्यादा कमियां देखी गई हैं जिनमें भारतीय टीम ने सुधार नहीं किया। दोनों तीनों मुकाबलों में बल्लेबाजी अच्छी रही मगर गेंदबाजी खराब रही है। मेरे हिसाब से इस महामुकाबले में भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, उसकी कुछ कमियां रही। अगर सूर्य कुमार यादव आगे उस कमियों पर ध्यान देगा तो शायद हम आगे सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी वो कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो टॉस ही रही, हमारे कप्तान सूर्य कुमार के हाथ में किस्मत नहीं थी। टॉस जो भी कप्तान जीता पहले गेंदबाजी करना चुनता क्योंकि बाद में ओस आने के कारण परेशानी जाती और यही भारतीय टीम के साथ हुआ है। भारतीय गेंदबाज बाद में सफल नहीं हो पाए। दूसरा कारण भारतीय गेंदबाजी रही क्योंकि भारतीय गेंदबाजी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया हुआ है शर्मनाक रहा है। इस महामुकाबले में शुरू से ही वह हम पर हावी रहे, भले ही हम विकेट लेने में सफलता हासिल कर रहे थे मगर हमारे तेज गेंदबाज कहीं भी सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, स्लो ओवर बन डाल नहीं रहे हैं और विकेट लेंथ वाली गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो इन पर ध्यान देना होगा सूर्या को। या तो गेंदबाजों में परिवर्तन कराया जाना चाहिए या फिर अतिरिक्त गेंदबाजी ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगा सूर्य कुमार यादव को वह बड़ा फैसला जो उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी करके दिया था। 19वें ओवर में जब आपको एक तेज गेंदबाज को लगाना चाहिए था आप किसी को भी यूज कर सकते थे, मगर आपने अक्षर पटेल को सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पर लगाया। आपको पता है सामने बल्लेबाजी ग्लेन मैक्सवेल कर रहा है जो कि स्पिनर्स को अच्छे से खेलता है। ड्यू फैक्टर होने के कारण इस मुकाबले में गेंद स्पिन नहीं चल रही थी, उसके बाद भी यह फैसला सरासर गलत है। चौथा बड़ा कारण मेरे हिसाब से रहा ग्लेन मैक्सवेल स्वयं। ग्लेन मैक्सवेल का जिस तरीके का अंदाज है, जिस तरीके से वह जम जाता है फिर वह कुछ नहीं देखता है। आज वह अपने 100% फॉर्म में था और अंत में जिस तरीके से उसने मैच जिताया उसकी तारीफ मैं ही नहीं आज पूरी दुनिया करने को मजबूर है कि उसने सच में मेहनत करके हमारे मुंह से जीत छीन ली है।
पांचवा सबसे अहम कारण जो कि मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कुछ दो बड़ी गलतियां। सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले तो ग्लेन मैक्सवेल को रनआउट करने का बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया था, वह बड़ा कारण रहा। इसके बाद फिर मैथ्यू वैड जिसने अंत में 28 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जिताया, तो ऐसे में उसका कैच भी सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ से छोड़ा था। तो ऐसे में यह तो वह कमियां हैं जिनको अगर भारतीय टीम जीतेगी तो आगे वापसी कर सकती है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं हमारी युवा टीम अच्छी है, पहले दो महामुकाम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वह आगे प्रदर्शन करके सीरीज अपने नाम जरूर करेगी। दोस्तों यह तो महेंद्र सिंह धोनी का वह शानदार बयान है जिन्होंने भारतीय टीम की हार के बाद दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या रही? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए।